Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, about back ever again. तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हम उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास आ चुकी है 2024 की कावासाकी की सबसे बेस्ट बाइक, जो कि है कावासाकी की निंजा 500, जो कि इंडियन मार्केट में फाइनली लॉन्च हो चुकी है 2024 में। आपको बता दें कि इसमें आपको दो कलर ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन इंडिया में केवल ब्लैक कलर ही मिलती है। इसके अलावा बाहर की कंट्रियों में एक लाइम ग्रीन कलर भी देखने को मिल जाती है। तो आपको बता दें कि कावासाकी की जो निंजा 400 आती थी ना, वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है 2024 में, लेकिन उसकी जगह पे आ चुकी है निंजा 500। तो गाइज, आज हम इसी बाइक के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, क्या इस बाइक की कीमत रखी गई है 2024 में कावासाकी की तरफ से। तो अगर आप लोग भी 500 सीसी की कावासाकी की बाइक लेने वाले हैं, फिर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक के बारे में फुल डिटेल में पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बीइंग टेक्नोलॉजी। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे, मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अपने एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो हम आपको इसका सबसे पहले एक्सोन प्राइस बता देते हैं कि इस बाइक की एक्सोन प्राइस आपको कितना देखने को मिल रही है। तो उससे पहले आपको एक चीज बता दें कि इसकी जो कीमत है ना, जो निंजा 400 आती थी ना, वही सेम कीमत रखी गई है, उसमें आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो इसकी जो एक्सोन प्राइस है वो है 5,24,000 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो ये है 6,10,000 में आपको ये जो बाइक है ना, कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएगी विदाउट एसेसरीज। एसेसरीज के साथ इसकी जो कीमत है ना, थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन आरटीओ इंश्योरेंस के साथ 6,10,000 में ये जो बाइक है ना, यूपी वाराणसी में देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, ये तो होगा इसके एक्सोन प्राइस की बात, इसके ऑन रोड प्राइस की बात। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके फीचर्सफिकेशन के बारे में। तो फ्रंट में आएंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इसका साइड मिरर आपको कुछ इस टाइप में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे वाइजर के ऊपर आपको कावासाकी की बैचिंग। इसका जो लुक है ना, काफी स्पोर्टी लगता है देखने में। निंजा 400 के कंपैरिजन इसका जो लुक है ना, मुझे काफी स्पोर्टी लग रहा है। और यहाँ पे देखेंगे इसका जो हेडलैम्प है ना, ये भी चेंज हो चुका है 500 में, क्योंकि उसमें आपको जो हेडलैम्प मिलता है ना, आपको सिंपल मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे निंजा 500 में आपको स्प्लिट LED हेडलैम्प मिल जाती है। नीचे आपको ये विंग्स निकल गया है, जो कि इसके लुक को और ज्यादा बेहतरीन और भी ज्यादा स्पोर्टी बनाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा ना, वॉक मिलता है 41mm का टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन मिल जाता है। 120mm का ट्रेवल देखने को मिल रही है। तो सस्पेंशन क्वालिटी काफी अच्छी है। और इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा, वॉक मिलता है, सेमी फ्लोटिंग डिस्क ब्रेक मिल जाती है विद ABS चैन के साथ। तो इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। फ्रंट टायर जो लगाया गया है, यहाँ पे देख पा रहा होंगे, ये है 110/70 का 17-inch का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलती है अलावल के साथ। तो टायर साइज भी अच्छा है, ब्रेकिंग सिस्टम भी अच्छा है, सस्पेंशन क्वालिटी काफी बेहतरीन देखने को मिल रही है। तो गाइज, इस बाइक में आपको ब्रेकिंग सिस्टम काफी बेहतरीन मिलती है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ब्लैक कलर के साथ इसका जो साइड प्रोफाइल है ना, इस साइड से कुछ इस टाइप में देखने को मिल रही है। हैंडल बार पे आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंडल बार पे आपको पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम, साइड इंडिकेटर्स, हॉर्न स्विच, यहाँ पे आपको हेजार लाइट जलाने के लिए स्विच देखने मिल जाती है, सिंपल वाला क्लच मिल जाता है। राइट हैंडल बार पे आपको इंजन कल स्विच, नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट देखने मिल जाता है, राइट बाई वायर देखने को मिल रही है। मीटर कंसोल पे आते हैं तो आपको बता दें, मीटर कंसोल में भी आपको बिल्कुल बड़ा अपडेट मिलता है, क्योंकि निंजा जो 400 आती थी ना, उसमें आपको सेमी डिस्टेमीटर कंसोल मिलते थे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको फुल्ली डिस्टेमीटर कंसोल देखने को मिल रही है, जिसमें आप लोग को ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी देखने को मिल जाएगा, किलोमीटर, एवरेज इंडिकेटर, रेंज देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे लो फ्यूल इंडिकेटर, टाइम, ABS इंडिकेटर, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, स्पीडोमीटर देखने को मिल रही है। तो गाइस, जो मीटर कंसोल है ना, काफी एडवांस देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। पुराने वाला जो आती थी निंजा 400, इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सिस्टम मिल जाएगा, जिसके तहत ऐप का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कॉल SMS सिस्टम देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे इसका जो हैंडल बार मिलता है, कुछ इस टाइप में देखने को मिलती है, जो कि काफी स्पोर्टी लगता है देखने में। फ्यूल टैंक पे आते हैं तो यहाँ पे देख पा रहा होंगे फ्यूल टैंक जो मिलता है ना, काफी मस्कुलर मिलती है ब्लैक कलर के साथ। यहाँ पे देखेंगे E5, E10 यानी कि इथेनॉल 5, इथेनॉल 10 वाला जो पेट्रोल आता है ना, उससे भी आप लोग बाइक को चला सकते हैं। दोनों साइड में आपको कावासाकी का यहाँ पे देखेंगे व्हाइट कलर में स्टिकर देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं, जो कि है 14 लीटर की। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे साइड फेयरिंग पे आते हैं तो निंजा 500 की स्टिकर मिलती है। यहाँ पे आपको बल्ब के कहते हैं टर्न इंडिकेटर मिलता है, LED नहीं मिलता है। और अगर हम बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में, तो गाइज आपको बता दें कि इसका जो इंजन मिलेगा ना, वॉक मिलता है 451cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिल जाएगा। और जो मैक्स पावर निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 45 PS का 9000 RPM पे। मैक्स टॉर्क जो मिलेगा, वॉक मिलता है 42.6 Nm का 6000 RPM पे। 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाती है। साइड स्टर्न में आपको इंजन कटआउट सिस्टम मिल जाता है। तो गाइज,
इंजन जो है ना काफी बेहतरीन है। इसका जो लुक मिलता है ना कुछ इस टाइप में देखने को जाती है साइड से इस ग्राफिक के साथ। सीट पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती है, राइडर सीट आप देख पा रहे होंगे काफी अच्छी देखने मिलती है, कुशनिंग भी ठीक ठाक देखने को मिलती है। लेकिन हाँ पिलियन राइडर सीट है ना जो थोड़ा सा हाइटेड मिलती है, लेकिन हाँ कुशनिंग इसमें आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। लेकिन आपको बता दें राइडर सीट के कंपेरिजन पिलियन राइडर सीट जो है ना उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको कहीं भी पिलियन ग्रैबल नहीं मिलती, आप लोग क्लियर हो जाइएगा। पिलियन फुटर्स हाफ कवर चैन मिलता है जो कि आपको लो मेंटेनेंस बोरिंग वाली चैन देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके टेल लाइट के बारे में तो गाइस यहाँ पे देखेंगे इसका जो रियर लुक है ना कुछ इस टाइम मिल जाता है। टेल लाइट जो मिलती है आपको एलईडी मिल जाती है, लेकिन हर टर्न इंडिकेटर आपको बल्ब मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन के बारे में तो यहाँ पे देखेंगे जो रियर सस्पेंशन मिलता है ना वॉक मिलता है बॉटम लिंक यूनिक ट्रैक गैस चार्ज शॉक विद एडजस्टेबल प्री लोडेड सस्पेंशन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 130 एमएम का ट्रैवल देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखिए इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा वॉक मिलता है 220 एमएम का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट विद एबीएस चैन के साथ। रियर टायर जो लगाया गया यहाँ पे देखेंगे 150/60 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलती है अलावल के साथ। तो टायर साइज आपको काफी अच्छा मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट कुछ इस टाइप मिल जाती है। एग्जॉस्ट अभी सुना नहीं सकते एग्जॉस्ट साउंड क्योंकि अभी बाइक में पेट्रोल नहीं है। तो गाइस ये थे इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो इसका जो व्हील बेस है वॉक मिलता है 1375 एमएम का, ग्राउंड क्लियरेंस जो मिलेगा वॉक मिलता है 145 एमएम का, सीट हाइट जो है वॉक मिलता है 785 एमएम का, कार वेट जो है वॉक मिलता है 171 केजी की, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14 लीटर की मिल जाती है, लेंथ जो मिलेगा वॉक मिलता है 1995 एमएम का, विड्थ जो मिलेगा वॉक मिलता है 730 एमएम का, हाइट जो मिलेगा वॉक मिलता है 1120 एमएम का। तो गाइस ये थे इस बाइक के डायमेंशन, इसकी प्राइस, इसकी ऑन रोड प्राइस, इसके फीचर स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप लोग बताना कि कावासाकी की निंजा 500 जो है ना ये आप लोगों को कैसी लगी निंजा 400 के कंपैरिजन, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप हमसे पूछेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो लुक है ना निंजा 400 से काफी स्पोर्टी, काफी बेहतरीन और फीचर्स लोडेड देखने को मिल रही है। तो अगर आप लोग निंजा 400 को लेने वाले थे तो आप लोग उसे कैंसिल करिए, निंजा 500 को लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग काफी बेस्ट बाइक है। तो गाइस ये थे इसके फीचर स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप लोगों को बाइक अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग कोई डाउट है, कोई सवाल करना है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, हेलमेट यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।